हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सारे मस्ती में होंगे। मैं एयरपोर्ट से निकल गया हूं और मैं जा रहा हूं मेट्रो स्टेशन की तरफ, जो कि एयरपोर्ट जो 2 है ना, उससे लगभग 2 किलोमीटर दूर है। तो मैं अभी वही वॉक करके जा रहा हूं मेट्रो स्टेशन की तरफ, वहीं से पकड़ के मेट्रो लूँगा। मेट्रो ले कर फिर मैं अपने हॉस्टल की तरफ चलेंगे। सही है ना आइडिया? थोड़ा तो पैसा बचाने का भाई, बजट ट्रैवलर का यही है भाई कि भाई पैसा बचाओ इसी तरह थोड़ा वॉक करके। भाई गर्मी बहुत है भाई, फर्स्ट इम्प्रेशन दुबई का गर्मी है। तो मैं पहुंचता हूं सबसे पहले मेट्रो स्टेशन। मेट्रो से निकल गया हूँ और मैं अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच भी गया हूँ। उससे पहले मैं मेट्रो के अंदर गया था और ये जो आप कार्ड देख रहे हो ना, ये कार्ड मैंने लिया। इस कार्ड का जो कॉस्ट पड़ा है वो पड़ा है 25, क्या बोलते हैं दुबई की करेंसी को यार, 25 मैंने इसको 25 लिया, जिसमें से 6 कार्ड के प्राइस हैं और 19 है जो कि मैं अब यूज कर सकता हूं। तो अभी मैं जहां से आया हूं वहां से मुझे आने में लगे टोटल 7.5। अरे मैं करेंसी में कैसे भूल गया यार, दुबई की करेंसी। आपका स्वागत है भाई दुबई से। तो दुबई मैं पहुंच गया था, जो आपने लास्ट वीडियो देखी होगी, एयरपोर्ट से मैं मेट्रो की तरफ गया था। तो मेट्रो लेके मैं अपने हॉस्टल तक पहुंच गया था डायरेक्ट, और चेक इन करके मैंने थोड़ा रेस्ट भी किया। तो अभी टाइम भी हो गया, लगभग शाम का टाइम हो गया, मैं रेस्ट करके अब थोड़ा सा बाहर निकला हूं। तो मैं थोड़ा सा डिटेल आपको बता देता हूं। नहीं, मैंने नॉल कार्ड लिया, जो नॉल कार्ड कुछ इस तरह दिखता है, ये जो दिखता है ना, ये है नॉल कार्ड जिसका मुझे देना पड़ा 25 दिरम। 25 दिरम में से 6 दिरम कार्ड का चार्ज है और जो 19 दिरम है वो मैं यूज कर सकता हूँ। तो मैं जहाँ से मेरा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 था, वहाँ से मैं अपने मेट्रो स्टेशन TMCC करके है वहाँ तक मैं आया, और जिसका मुझे लगा 7.5 दिरम। तो 7.5 दिरम में मैं पहुंच गया। तो आप अपना हिसाब से आप कर लेना, 1 दिरम आज के टाइम में 20 रुपये के करीब करीब है। तो ये है भाई, और पहुंच गया मैं अपने, और यहाँ का देखो भाई आप, ऊपर से जो बिल्डिंग है ना भाई, दुबई ऐसे ही नहीं बोला जाता भाई, महंगा है भाई। तो मैं अपने हॉस्टल में रुक रहा हूँ, जिसका नाम है बम्बई बैकपैकर DXB, जिसके लिए मैं टोटल चार्ज करा है मैंने 360 दिरम। 6 दिन के लिए 360 दिरम मैंने पे किया है, तो काफ़ी अच्छा। अब देखता हूँ, अभी शाम हो चुकी है, तो मैं कहाँ निकलता हूँ भाई। जो यहाँ का वाइब है ना, ज़बरदस्त वाइब है भाई। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, बट उमस जो है ना, एकदम पूरा थाईलैंड की तरह उमस लग रहा है। मतलब ख़तरनाक गर्मी है भाई, मैं तो पसीना से भीग गया हूँ। थोड़ा सा मैं वॉक करके आया हूँ भाई, मैं भीग गया पूरी तरह से पसीने से, बहुत गर्मी है भाई। दुबई घूमने का सबसे बेस्ट तरीका है या तो मॉर्निंग में घूमो, नहीं तो शाम में घूमो। तो ये है कुछ आसपास का नज़ारा भाई, अब देखता हूँ कि कहाँ जा सकता हूँ।
गाइज मैं अभी आ गया हूँ दुबई मरीना में। इस जगह से जो आप मेरे पीछे देख रहे हो काफ़ी बोट लगी हुई है, स्पीड बोट है, लग्जरी बोट है, यहाँ याट है, याक या याट बोलते हैं यार जो भी बोलते हैं। तो यहाँ से अगर आपको टूर करना हो, 2 घंटे की टूर होती है यहाँ पे, आप लग्जरी याट में कर सकते हो, आप सेपरेटली ले सकते हो, तो आपको इस जगह पे आना पड़ेगा। इस जगह का नाम है दुबई मरीना। वेल कनेक्टेड है मेट्रो से, ट्रैम से, बस से वेल कनेक्टेड है, तो आप यहाँ पे आके बोट का राइड ले सकते हो। मैं नहीं ले रहा हूँ बोट का राइड क्योंकि मैं ऑलरेडी अल्बेनिया में इतने सारे राइड ले चुका हूँ कि अब मुझे बोट का राइड लेने का अभी तो फ़िलहाल मन नहीं है। अगर इन फ्यूचर होता है कभी तो देखता हूँ, तब लूँगा, बट अभी एकदम नहीं है, मन नहीं है एकदम मेरे को यहाँ पे बोट राइड लेने का। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ, थोड़ा एक्सप्लोर कर रहा हूँ इस जगह को। ना आए हैं तो अभी है हम, मैं तो यहाँ पे हूँ कुछ दिन, यहाँ ज़्यादा दिन नहीं हूँ, 6 दिन हूँ। तो 6 दिन में देखता हूँ जितना कवर कर पाता हूँ कवर कर लेता हूँ यहाँ पे घूमते। यहाँ पे देखो आप इस गाड़ी का भी मज़ा ले सकते हो। और ये जो स्काई स्क्रैपर है ना भाई, इतने बड़े बड़े बिल्डिंगे हैं, देखो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगे हैं, मछली जैसे कम महकता है ना, स्मेल करता है उसी तरह ये स्मेल कर रहा भाई मछली की तरह, क्योंकि समंदर का पानी है। और ये आपको पता है ये जो एरिया है मैन मेड है, क्योंकि आपको पता ही है शायद आपने सुना ही होगा, जो पाम जो मेरा है वो दुबई में मैन मेड आयरलैंड है। तो ये है भाई कुछ नज़ारा जो कि आप देख रहे हो, कितने स्काई स्क्रैपर हैं यहाँ पे। सही है ना भाई लोगों। और ये भाई दुबई का झंडा लहरा रहा है बोट पे शान से।